सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। सो यार, मेरे पास इतनी सारी कमेंट आ रही है, मेरे पास इतनी सारी डिमांड आ रही है कि भाई आइस क्रीम चैप्टर 2 के ऊपर एक स्टोरी लेकर आओ, उसके एक वीडियो बनाओ और हमें उसकी एक स्टोरी बताओ। सो फाइनली यार, मैं आप सब लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ आइस क्रीम चैप्टर 2 की फुल स्टोरी, फुल वीडियो। सो भाई, अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आइस क्रीम चैप्टर 2 में जो एक मोटा सा लड़का होता है जो काफ़ी ज़्यादा रोता भी है और सब उसको चबी चबी कहकर बुलाते हैं, सो भाई वो लड़का कौन है, कहाँ से आता है और रोड उस बच्चे से इतनी प्यार से बात क्यों करता है, जबकि यार रोड सारे बच्चों को किडनैप करता है लेकिन उस मोटे बच्चे को रोड किडनैप क्यों नहीं करता है। सो भाई, रोड उस बच्चे से इतनी प्यार से बात क्यों करता है और फिर गेम के एंड में भाई जो वो लड़की होती है जो वो बैन में रह जाती है, मतलब वो कूद नहीं पाती है बैन में से, सो भाई रोड जो है उस लड़की को कहाँ पर ले जाता है और हम इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो चुके हैं, वहाँ पर सर्कस कैसे आ चुकी है, मतलब गेम में इतनी सारी चेंजिंग कैसे आ चुकी है। सो भाई, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस स्टोरी में मिलने वाले हैं। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो भाई स्टोरी को पूरा देखना। और हाँ भाई, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक लाइक कर दो, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई ऐसी वीडियो बनाने में। सो भाई एक लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से जो है ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो भाई एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। हाँ भाई, एक बात और कि मेरा दोस्त जो है गुगलू, वो भी इस स्टोरी को आपके साथ साथ सुनेगा। सो भाई मेरा दोस्त काफ़ी अच्छा दोस्त है और मेरे साथ जो है वो गेम प्ले भी करता है, एक दो वीडियो में वो आया है। सो यार गुगलू, अपना इंट्रो दे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक ही होंगे और मैं टेक्निकल यूट्यूबर भाई का बचपन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सो टेक्निकल यूट्यूबर भाई, यार जल्दी से मेरे को स्टोरी सुनाओ, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ यार। हाँ हाँ यार, स्टोरी को कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सो यार चलो स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको आइस क्रीम चैप्टर 1 की स्टोरी में बताया था, अगर आपने चैप्टर 1 की स्टोरी नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो भाई, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि मतलब यार एक छोटा सा लड़का होता है का नाम चार्ली होता है। सो यार चार्ली को जो है रोड किडनैप कर लेता है। सो चार्ली की जो किडनैपिंग होती है यार उसका दोस्त देख लेता है, मतलब चार्ली का एक दोस्त होता है जिसका नाम जय होता है, यानी हमारे गेम का कैरेक्टर, मतलब उसको किडनैप होते हुए देख लेता है। तो भाई बाद में होता है क्या है, जय यार मतलब अपने दोस्त को बचाने के लिए, यानी चार्ली को बचाने के लिए रोड की बैन में चला जाता है और उससे जो है काफी ज्यादा मशक्कत करके जो है अपने दोस्त को छुड़ा लेता है, मतलब चार्ली को वो छुड़ा लेता है। सो भाई जय जो है अपने दोस्त चार्ली को छुड़ा लेता है रोड से। सो यार यहीं पर जो है मेरे चैप्टर 1 की स्टोरी का एंड हो गया था। अगर आपने चैप्टर 1 की स्टोरी देखी है तो वो यहीं पर एंड हो गई थी। सो यार यहीं से चालू होती है चैप्टर 2 की स्टोरी, यानी आइस क्रीम चैप्टर 2 की स्टोरी यहीं से ही चालू होती है। सो यार इसके बाद क्या होता है, जब जय अपने दोस्त चार्ली को छुड़ा लेता है तो जय और चार्ली जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। सो यार वो दोनों जो है काफी ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब उनकी बच्चे वाली मेंटेलिटी होती है। सो भाई वो जो है रोड की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करते हैं डर के मारे, मतलब यार वो रोड से काफी ज्यादा डर जाते हैं, सोक्ड हो जाते हैं। सो भाई इसकी वजह से वो जो है पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करते हैं रोड की। सो भाई अब जो है उनका टाइम ऐसे ही बीतता रहता है और वो जो है धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। सो भाई इसके बाद होता क्या है, जो जे और चार्ली होते हैं उनका एक दोस्त बनता है जिसका नाम माइक होता है, जिसको आप गेम में भी देख सकते हो। और चार्ली जो होता है यार उसकी एक सिस्टर भी होती है, मतलब उससे बड़ी उसकी एक सिस्टर भी होती है। सो भाई ऐसे जो है इनकी लाइफ चलती रहती है और ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं सारे दोस्त, मतलब ये चार फ्रेंड होते हैं, मतलब एक माइक, जे, चार्ली और उसकी एक सिस्टर भी होती है, मतलब वो भी फ्रेंड होते हैं और इनके जो है आपस में फोटो भी खींचे हुए होते हैं जो कि आप गेम में भी देख सकते हैं जे के रूम में। सो यार ऐसे जो है वक्त निकलता रहता है और जे और चार्ली जो है रोड की बात धीरे धीरे भूलने लगते हैं, मतलब यार जो उनके साथ हुआ था पहले। सो भाई वो जो है ये सारी बातें भूलने लगते हैं वक्त के साथ साथ और अब वो जो है बड़े होने लगते हैं। सो भाई इधर होता क्या है यार, रोड भी जो है काफी ज्यादा डर जाता है, मतलब यार रोड के हाथ से जो है चार्ली निकल जाता है, मतलब एक छोटा सा बच्चा। सो भाई रोड जो है इस चीज को देख के अपनी किडनैपिंग कुछ दिनों के लिए बंद कर देता है, लेकिन यार कुछ दिनों के बाद वो जो है फिर से स्टार्ट कर देता है अपनी किडनैपिंग करना। सो भाई अब रोड जो है वो अपने डैड की कवर पे भी जाता है, वो मोमबत्तियां लगाता है और वो डैड की कवर पे जाके काफी ज्यादा रोता भी है और वो काफी इमोशनल बातें भी बोलता है अपनी डैड की कवर पर जाकर, जो कि आप गेम में भी देख सकते हो। सो भाई रोड जो है यार अपने डैड की कवर पे जाता है रोज। सो भाई इस तरह जो है यार मतलब उनकी लाइफ चलती रहती है, मतलब वहां बच्चे वो बड़े होते हैं, मतलब चारों फ्रेंड वो बड़े हो रहे होते हैं और रोड भी जो है अपनी किडनैपिंग स्टार्ट रखता है। सो भाई एक दिन होता क्या है, रोड फिर से जो है जय और चार्ली के एरिया में चला जाता है बच्चे को किडनैप करने के लिए और वो वहीं पर अपनी वैन रोकता है जहां कुछ साल पहले उसने चार्ली की किडनैपिंग की थी। सो भाई वहीं पर जो है वो अपनी वैन रोकता है, यानी चार्ली और जय के घर के सामने वो जो है अपनी वैन को रोकता है। सो भाई उस दिन जो है सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मतलब जो जय होता है वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और जो चार्ली होता है वो अपने दोस्त माइक के साथ सर्कस में घूमने के लिए गया हुआ होता है, क्योंकि यार उसके शहर में सर्कस लगा हुआ होता है तो इसलिए वो जो है अपने फ्रेंड के साथ सर्कस में गया हुआ होता है घूमने के लिए, जैसा कि आप गेम में भी देख सकते हो कि यार वो हमको सर्कस में ही मिलता है। सो भाई चार्ली और माइक दोनों फ्रेंड तो घूमने के लिए गए हुए होते हैं सर्कस में, लेकिन यार जो चार्ली की सिस्टर होती है वो जो है घर पर
खरी होती है। सो यार जैसे ही मतलब रोड बैन लेकर आता है आइसक्रीम बेचने के लिए चार्ली के घर के सामने, सो यार चार्ली की सिस्टर जो है रोड से आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है, क्योंकि यार उसको रोड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। मतलब यार चार्ली और जेन ने कुछ भी नहीं बताया होता है घर पर रोड के बारे में, तो भाई इसीलिए चार्ली की सिस्टर जो है रोड के बहन के पास चली जाती है उससे आइसक्रीम लेने के लिए। सो यार शुरू शुरू में जो है रोड काफी ज्यादा परेशान करता है उस लड़की को आइसक्रीम देने के लिए। सो यार जो वो लड़की होती है वो काफी ज्यादा चीख चीख कर बोलती है रोड से। सो भाई इतने में ही क्या होता है, जो जय होता है मतलब यार जय का घर भी जो है साइड में ही बना हुआ होता है चार्ली के, क्योंकि वो उसका नेबरहुड होता है। सो भाई जय जो है उस टाइम अपने घर पर ही होता है और वो अपने ऊपर वाले रूम में कंप्यूटर चला रहा होता है। सो भाई वो क्या देखता है, उसको जो है मतलब यार चार्ली की सिस्टर की आवाज आ रही होती है बाहर से। सो भाई जैसे ही चार्ली की सिस्टर की आवाज सुनता है जय अपने रूम में, तो वो जो है अपनी विंडो खोल कर देखता है कि बाहर चल क्या रहा है। तो भाई जैसे ही जय बाहर देखता है वो एकदम से सोक्ड हो जाता है, एकदम से डर जाता है, क्योंकि भाई वो फिर से जो है रोड की बहन देखता है वहीं पर, जस्ट वहीं पर जहां उसने कुछ साल पहले देखी थी। तो भाई जय जो है यानी हमारे गेम का कैरेक्टर वो काफी ज्यादा डर जाता है इस बात को देखकर, और वो जो है चार्ली की सिस्टर को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है इशारों में, लेकिन भाई जो चार्ली की सिस्टर होती है वो इस बात को नहीं समझ पाती है। तो भाई इतने में ही होता है क्या है यार, रोड जो है उसको फ्रीज कर देता है, यानी चार्ली की सिस्टर को जो है रोड फ्रीज करके जो है अपनी बहन में बंद कर देता है, जस्ट उसी तरह जिस तरह काफी साल पहले चार्ली को किया था। तो भाई अब जो है यार जय काफी ज्यादा डर जाता है, यानी हमारे गेम का कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। सो भाई फाइनली जय जो है यानी हमारे गेम का कैरेक्टर वो जो है उसको बचाने के लिए, यानी चार्ली की सिस्टर को बचाने के लिए वो जो है नीचे चला जाता है और वो फिर से जो है रोड की बहन में चला जाता है, यानी बैठ जाता है उसको बचाने के लिए। सो भाई वो जो है काफी ज्यादा मेहनत करता है, काफी ज्यादा मशक्कत करता है, जैसे कि आप गेम में करते हो उसको बचाने के लिए। सो भाई वो भी जो है बिल्कुल ऐसे ही मशक्कत करता है चार्ली की सिस्टर को बचाने के लिए। सो यार जय जो है किसी को कुछ भी नहीं पता चलने देता है और वो जो है अकेले ही चार्ली की सिस्टर को बचाने के लिए चला जाता है। अरे सुनो 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 बॉस, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि यार जब रोड चार्ली की सिस्टर को किडनैप कर लेता है और जय उसको किडनैप होते हुए देख लेता है, तो जय अपने दोस्त को क्यों नहीं बताता है, मतलब चार्ली को क्यों नहीं बताता है कि उसकी सिस्टर किडनैप हो चुकी है, और जय खुद क्यों चला जाता है अकेला उसको बचाने के लिए, अपने दोस्त चार्ली को साथ में क्यों नहीं लेके जाता है उसकी सिस्टर को बचाने के लिए, बताओ ना बॉस। हाँ यार गुगलू, तूने काफी अच्छा सवाल किया है। सो यार जय अपने दोस्त चार्ली को इसलिए नहीं बताता है कि उसकी सिस्टर किडनैप हो चुकी है, क्योंकि यार जो चार्ली है वो थोड़ा शैतान टाइप में बच्चा है, मतलब वो शैतानी काफी ज्यादा करता है। सो यार जय जो है अपने फ्रेंड चार्ली को इसलिए साथ नहीं लेके जाता है क्योंकि यार चार्ली जो है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता और वो शोर मचाता, जिससे जो है रोड उन दोनों को पकड़ लेता और पकड़ के जो है उन दोनों को फ्रीज करके बंद कर देता। सो भाई इसलिए जो है वो अपने दोस्त चार्ली को ये वाली बात नहीं बताता है और ना ही उसको अपने साथ लेके जाता है जय। ओके ओके बॉस, मैं समझ चुका हूँ, आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू बॉस समझाने के लिए। हाँ हाँ चल ठीक है। सो भाई अब होता क्या है, जय जो है चार्ली की सिस्टर को बचाने के लिए खुद अकेला चला जाता है और काफी ज्यादा मेहनत करता है उसको छुड़ाने के लिए। सो भाई इसी के बीच होता क्या है, जो रोड होता है उसको एक पार्टनर की जरूरत होती है। मतलब यार ये बच्चों को किडनैप करना और ये सारा सब कुछ सेटल करना अब वो अकेला नहीं कर सकता था। सो यार रोड को जो है अब एक पार्टनर की जरूरत होती है, मतलब एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो रोड की हेल्प कर सके, मतलब बच्चा किडनैप करने में जो भी वो कुछ करता था मतलब वो सब करने में वो रोड की हेल्प कर सके। तो यार इसीलिए जो है रोड को एक बंदे की जरूरत थी, मतलब उसको जो है अपने पार्टनर की जरूरत थी। सो भाई अब रोड क्या करता है, वो जो है एक ऐसे बंदे की तलाश करना स्टार्ट कर देता है। रोड एक ऐसे बंदे को ढूंढता है, मतलब जो बंदा उसकी ये सारी कामों में उसकी हेल्प कर सके और उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो, मतलब वो बच्चों से नफरत भी करता हो और उसकी मेंटेलिटी जो है बिल्कुल रोड जैसी हो। सो यार अब होता क्या है, एक स्कूल में जो है एक मोटा सा बच्चा पढ़ता था, वो काफी ज्यादा मोटा था और बच्चों से। सो भाई सारे बच्चे जो है उसको चबी चबी कह के चिढ़ाते थे, जैसा कि आप गेम में भी देख सकते हो। सो भाई वो ही बच्चा था जो कि आप गेम में देखते हो। सो यार जो वो बच्चा था वो काफी ज्यादा रोता था, मतलब यार सारे बच्चे मिलके जो है उसको चिढ़ाते थे, उसको मोटा मोटा बोलते थे। सो यार इस वजह से जो है वो बच्चा काफी ज्यादा निराश होता था, काफी ज्यादा रोता था। सो भाई जो वो मोटा बच्चा था यार, वो रोज रोज जब वो अपने बारे में ये सारी बातें सुनता था, मतलब उसको बच्चे चिढ़ाते थे। सो भाई वो रोज रोज जब वो ये सारी बातें सुनता था, तो भाई अब उसको जो है काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो सारे बच्चों से जो है काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। मतलब भाई इतनी ज्यादा नफरत करने लगा था कि वो जो है अब सारे बच्चों से बदला लेना चाहता था, मतलब जितने ही बच्चे उसको मतलब मोटा मोटा कहकर बुलाते थे वो उन सब से बदला लेना चाहता था। सो भाई अब जो है होता क्या है, मतलब इसकी मेंटेलिटी भी जो है थोड़ी सी मतलब रोड से मिलनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब यार ये भी बच्चों से नफरत करता था, ये भी बदला लेना चाहता था बच्चों से, और रोड जो है वो भी मतलब बच्चों को किडनैप करना चाहता था। सो भाई अब होता क्या है यार, रोड को जो है इस मोटे बच्चे के बारे में पता लग जाता है कि मतलब एक ऐसा मोटा बच्चा है जो बच्चों से काफी ज्यादा नफरत भी करता है और वो उनसे बदला भी लेना चाहता है। सो यार रोड को जो है ये मोटा बच्चा अपना
अपना पार्टनर बनाने के लिए काफी ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि यार इसकी मेंटेलिटी भी जो है रोड से काफी हद तक मिलती थी। सो भाई अब करता क्या है, रोड जो है एक दिन छुट्टी के बाद उस बच्चे के पास जाता है और वो मोटा बच्चा जो है काफी ज्यादा रोता है वहां बैठा हुआ, मतलब अपनी क्लास में वो बैठा हुआ होता है, काफी ज्यादा रोता है। सो भाई रोड जो है वो वहां पर जाता है उस बच्चे के पास और उसको जो है छुपाता है। सो भाई अब रोड क्या करता है, वो उस मोटे बच्चे से काफी मीठी मीठी बातें करता है ताकि वो बच्चा जो है उसकी तरफ हो जाए और वो उसकी हेल्प कर सके। सो भाई वो जो है उसको अपनी बातों में लाता है उस मोटे बच्चे को, रोड जो है धीरे धीरे अपनी बातों में लाता है उससे अच्छी अच्छी बातें करके। सो भाई होता क्या है, धीरे धीरे वो बच्चा जो है रोड की तरफ जाने लगता है, मतलब यार रोड उससे ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि वो बच्चा जो है रोड की तरफ जाने लगता है। मतलब यार उस मोटे बच्चे को लगता है कि सिर्फ एक ही बंदा है रोड जो उसकी कदर करता है और बाकी सारे लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। सो यार रोड जो है धीरे धीरे उस मोटे बच्चे को अपनी बातों में लाने लगता है और जो वो मोटा बच्चा होता है वो रोड की बातों में आ जाता है पूरी तरीके से, जैसा कि आप लोग गेम में भी देख सकते हो। सो यार जो वो मोटा बच्चा होता है वो रोड का पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बॉस मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगर वो बच्चा उसका पार्टनर बन जाता है तो वो रोड के साथ क्यों नहीं रहता, मतलब वो गेम में आगे क्यों नहीं आता है रोड के साथ और वो गायब क्यों हो जाता है उस गेम से, वो कहाँ चला जाता है, बताओ ना बॉस। हाँ गुगुलू यार तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सो भाई यार देखो मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी हो सकता है कि आइसक्रीम का जो चैप्टर 3 आएगा, इस गेम का जो चैप्टर 3 आएगा, सो भाई आपको वो बच्चा जो है रोड के साथ देखने के लिए मिल सकता है, मतलब वो जो है रोड की हेल्प कर सकता है बच्चों को किडनैप करने में, बच्चों को पकड़वाने में वो जो है उसकी हेल्प कर सकता है पूरी तरीके से, और वो जो है चैप्टर 3 में आपको दिख सकता है रोड के साथ। सो यार चैप्टर 3 का इंतजार करो इस गेम का और वो बच्चा जो है आपको रोड के साथ दिख सकता है, मतलब वो जो है उसका पार्टनर बना हुआ होगा चैप्टर 3 में। मैं भी भाई मैं बोल नहीं सकता, पक्का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, वो बाकी तो यार गेम आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ बॉस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं समझ चुका हूँ, वो चैप्टर 3 में आ सकता है रोड का पार्टनर बन के। हाँ गुगलू मेरे भाई ऐसा हो सकता है। सो यार आपको जो है चैप्टर 2 में सिर्फ उसकी थोड़ी सी हिंट दिखाई गई है कि वो जो है पार्टनर बन के आ सकता है चैप्टर 3 में रोड के साथ, और बाकी तो गेम आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। सो यार चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सो भाई इसी के बीच जो है जय काफी ज्यादा मेहनत करता है यार चार्ली की सिस्टर को बचाने के लिए, वो कभी सेमिस्ट्री जाता है, कभी सर्कस जाता है, कभी कहीं जाता है। सो भाई वो जो है काफी ज्यादा मेहनत करता है, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली यार जय जो है चार्ली की सिस्टर को छुड़ा लेता है। लेकिन भाई एंड में होता क्या है, जैसे ही बैन से कूदने का टाइम आता है तो यार जय तो कूद जाता है, जो हमारे गेम का कैरेक्टर होता है वो तो उस बैन में से कूद जाता है, लेकिन यार जो चार्ली की सिस्टर होती है वो डर के हमारे, मतलब उसके चोट न लग जाए इस डर के लिए, वो जो है उस बैन से नहीं कूदती है और वो जो है उस बैन में ही रहती है। सो भाई जय जो है यानी हमारे गेम का कैरेक्टर, वो चार्ली की सिस्टर से बहुत बोलता है कि जंप कर दे जंप करते, लेकिन यार वो डर के मारे उसमें से जंप नहीं करती और फाइनली वो जो है रोड के साथ उसी बैन में चली जाती है। सो यार जैसे ही रोड की बैन उस सर्कस के बीच में से निकल के जाती है, तो भाई जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में पहले बताया था, चार्ली और उसका दोस्त माइक जो है वो सर्कस में ही थे, मतलब वो सर्कस में घूमने के लिए गए थे। सो भाई होता क्या है, जो चार्ली का दोस्त होता है माइक, वो जो है रोड की बैन में उसकी सिस्टर को देख लेता है, यानी चार्ली की सिस्टर को देख लेता है, और जैसे ही यार वो उसकी सिस्टर को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है माइक, और वो जो है चार्ली को आवाज लगाता है। सो यार माइक चार्ली से बोलता है कि वो देख रोड तेरी सिस्टर को किडनैप करके लेके जा रहा है उस बैन में। सो यार जैसे ही चार्ली अपनी सिस्टर को रोड की बैन में देखता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन यार जो चार्ली का फ्रेंड होता है माइक, वो जो है बैन के पीछे काफी ज्यादा भागता है, लेकिन यार रोड की बैन जो है उसके हाथ नहीं आती है। सो भाई अब होता क्या है, जो रोड की सिस्टर होती है वो रोड के साथ ही उसकी बैन में चली जाती है और हमारा गेम यहीं पर एंड हो जाता है, जैसा कि आप गेम में भी देख सकते हो। लेकिन बॉस जो वो रोड था वो चार्ली की सिस्टर को कहाँ लेके गया होगा, उसको कहाँ बंद किया होगा, बताओ ना बॉस। हाँ गुगलू मेरे भाई तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सो यार जो रोड है वो चार्ली की सिस्टर को लेके गया होगा एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ वो सबको लेकर जाता है गेम ओवर होने के बाद। सो यार अगर आपने आइसक्रीम गेम खेला है तो आपको पता होगा कि यार जब आपका गेम ओवर होता है तो आपको जो है वो एक सीक्रेट जगह पर लेके जाता है रोड, जहाँ पर एक आइसक्रीम का बोर्ड भी लगा हुआ होता है काफी ज्यादा बड़ा। सो यार रोड जो है चार्ली की सिस्टर को उसी सीक्रेट जगह पर लेकर गया होगा, और मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आने वाले चैप्टर 3 में हो सकता है कि हमें दोबारा से जो है चार्ली की सिस्टर को छुड़ाना पड़े उस सीक्रेट जगह से। भाई मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है यही करना पड़ेगा, मतलब चार्ली की सिस्टर को जो है हमको दोबारा से छुड़ाना पड़ेगा, उसको आजाद कराना पड़ेगा रोड से। और अब की बार हो सकता है कि यार ये तीनों दोस्त जो है एक साथ जाएं, यानी चार्ली जय और माइक, ये तीनों दोस्त जो है एक साथ जा सकते हैं उसको बचाने के लिए। और ये बात भाई देखो मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक तरीके से प्रूफ नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। सो यार आने वाले चैप्टर 3 में, मतलब आइसक्रीम के चैप्टर 3 में ऐसा हो सकता है कि हमको जो है अब कैसे रोड के बैन से नहीं बल्कि उस सीक्रेट जगह से चार्ली की सिस्टर को बचाना पड़े। भाई ऐसा हो सकता है, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, और बाकी तो
गेम आने के बाद ही पता चलेगा। वाह बॉस वाह, आपने क्या स्टोरी बताई है यार, मेरे तो एकदम से सब कुछ समझ में आ गया, आप ग्रेट हो बॉस। अबे हाँ हाँ चल ठीक है। सो यार हमारी आज की स्टोरी बस यहीं तक ही, और आई होप कि यार आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, क्योंकि यार मैंने सब कुछ जो है आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो भाई अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, और एक लाइक कर ही दो क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है भाई ये वाली वीडियो बनाने में। सो यार एक लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और यार आपके जस्ट एक लाइक से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सो यार एक लाइक कर दो, लाइक करना एकदम फ्री है। और हाँ भाई मेरे को बताओ आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ नीचे, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है भाई ये वाली स्टोरी को लेकर तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो नीचे कमेंट करके। और हाँ भाई सबसे जरूरी बात यार, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। सो भाई वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।